सो गाइज, अभी फिलहाल इंडिया के अंदर दो तरह की वैक्सीन अवेलेबल है COVID-19 की रोकथाम के लिए, जिनमें से पहली वैक्सीन है कोवैक्सीन और दूसरी है कोविशील्ड। ये दोनों मेड इन इंडियन वैक्सीन है। तो इन्हें लगवाने से पहले हमारे पास ऑप्शन होता है कि दोनों में से कौन सी वाली वैक्सीन को हम चूज करें। तो बेसिकली आज हम इसी डाउट को दूर करने वाले हैं ताकि आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग बेस्ट वैक्सीनेशन का चयन कर सकें। तो इस वीडियो में बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी वैक्सीन है आपकी बॉडी के लिए सबसे सही। उससे पहले कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं इन वैक्सीन्स के बारे में। तो अभी हाल फिलहाल में जो वैक्सीनेशन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें फर्स्ट अपनी जो वैक्सीन है उसका चयन कर सकते हैं कि आपको कोवैक्सीन लगानी है या कोविशील्ड लगानी है। उसके बाद जो सेकंड इसका बूस्टर डोज लगेगा उसमें ऐसा नहीं है कि पहला डोज आप कोवैक्सीन का लगाएं और दूसरा डोज आप कोविशील्ड का लगा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। आपका रजिस्ट्रेशन होगा बेसिकली ऑनलाइन और उसके अकॉर्डिंग ही अगर आपने पहला डोज कोवैक्सीन का लिया तो दूसरा भी कोवैक्सीन का लगेगा, और अगर आपका पहला डोज कोविशील्ड का था तो दूसरे वाला डोज भी कोविशील्ड का ही यहाँ पे रहने वाला है। तो इस चीज का यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा। दोनों में जो बेसिकली डिफरेंस है वो टाइम का डिफरेंस है, जिसमें कोविशील्ड में आपको सबसे ज्यादा टाइम मिलता है। इसके अंदर आपको 4 to 8 weeks का टाइम रहता है एक डोज से दूसरी डोज के बीच में, और वहीं पे कोवैक्सीन की बात करें तो 4 to 6 weeks का इनमें गैप रखना होता है। उसके बाद आपको नोटिफिकेशन आता है आपके मोबाइल पे, दोबारा से रजिस्ट्रेशन करवा के आप अपने नजदीकी किसी भी केंद्र से वैक्सीन का बूस्टर डोज ले सकते हैं। और अब हम बात कर रहे हैं चॉइस की कि हमारे पास क्या चॉइस है, हम कौन सी को चूज कर सकते हैं। बिल्कुल है, पहला डोज हम चूज कर सकते हैं, दूसरा उसी के अकॉर्डिंग लगेगा। लेकिन जो अभी के कंडीशंस चल रहे हैं हाल फिलहाल में, वैक्सीन की इतनी शॉर्टेज है कि मैं तो कहता हूँ जो आपको मिले वो लगवा लीजिए। दोनों अच्छे हैं, दोनों बॉडी के ऊपर अच्छे से कारगर इनके रिजल्ट्स हैं, दोनों की अच्छे से टेस्टिंग हुई है उसके बाद ही इनको लॉन्च किया गया है। बात करते हैं वर्किंग की, तो वर्किंग में इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन ओवरऑल जो रिजल्ट है इसका वो सेम ही मिलने वाला है, यानी आपको COVID-19 से ये प्रोटेक्शन देगा। तो जितने भी मिथ्स हैं कि ये वाला वैक्सीन नहीं लगाना है, ये लगाना है, ये नहीं लगवाना है, दूसरे वाला लगवाना है, कई लोग US UK वाली वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं कि वहां से जब वो आएगी तो वो लगवाएंगे, तो प्लीज ऐसा मत कीजिए। आप अभी हाल फिलहाल में जो अवेलेबल है हमारी इंडियन वैक्सीन उसका यूज कीजिए। वर्किंग सेम है, एक ही तरीके से काम करेंगे, थोड़ा बहुत इनमें इनकी जो केमिकल कंपाउंड है यानी इनके बनाने का जो स्ट्रक्चर वगैरह है उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस रखा गया है। बिल्कुल ज्यादा डेप्थ के अंदर मैं नहीं जाऊंगा इस चीज के बारे में डिटेल में। आप अगर जानना चाहते हैं कि कौन सी वैक्सीन कैसे वर्क करती है, कौन सी वैक्सीन कैसे वर्क करती है, किसमें क्या डाला गया, किसमें क्या डाला गया, वो आप गूगल कर सकते हैं। मेरा मकसद यहाँ पे ये डाउट क्लियर करना था कि कोवैक्सीन लगाएं या कोविशील्ड लगाएं। डाउट में मत रहें, जो भी वैक्सीन अवेलेबल है हाल फिलहाल वो जाके लगवा लीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स और खुद को सेफ कर लीजिए इस COVID-19 से। और ऐसा भी नहीं है कि वैक्सीन लगाने के बाद भाई साहब आप बिल्कुल 100% श्योर हो गए कि अब मेरे को तो कोविड होगा ही नहीं, उसके बाद भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा जैसे अभी रख रहे हैं। लेकिन हाँ, इतना श्योर हो जाएगा कि उसके बाद अगर आपको कोविड होता है तो आपकी बॉडी जो है वो इतने एंटीबॉडीज डेवलप कर लेंगी कि उससे इजीली फाइट कर पाएगी। लेकिन यार ऐसा करना ही क्यों, कोविड होने क्यों दिया जाए, इसको पहले इससे बच के रहो ताकि बाद में ऐसा कुछ ना हो। अब मेरे पे ले लीजिए, मैं भुगत रहा हूँ, पिछले तीन दिनों से इस रूम के अंदर बंद हूँ। मेरे को अभी फाइनल फिक्स नहीं है कि मुझे कोविड हुआ है, लेकिन जैसा सिम्टम्स लग रहे हैं, बुखार वगैरह आ रहा है, तो हो सकता है, चांसेस हो सकते हैं। लेकिन यकीन मानिए काफ़ी बुरी सिचुएशन है इस टाइम देश की, और हॉस्पिटल्स का तो आपको पता ही है, न्यूज़ चैनल्स क्या दिखा रहे हैं वो आपको सब पता है, ऑक्सीजन की किस तरीके से कमी चल रही है। तो उसको देखते हुए अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं करवाया तो फटाफट से करवा लीजिए। किसी भी मिथ में मत आइए कि इसको लगवाने से मर जाएगा या ऐसा होगा वैसा होगा, वैक्सीन लगवाने से बुखार होगा। हाँ, लिटरली कुछ लोगों को इससे बुखार हो सकता है, लेकिन वो थोड़े से टाइम पीरियड के लिए होगा, जैसे आधा घंटा, एक घंटा या एक दिन या दो दिन, तो इतना तो यार सहन कर ही सकते हो। तो इससे ज्यादा कोई भी साइड इफेक्ट वैक्सीन का नहीं है, आप जाके लगवाइए। और मैं तो हालांकि रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, आज भी मैंने काफी कोशिश की, बट क्या हुआ, रजिस्ट्रेशन करते करते वो बिल्कुल एकदम से इतने लोग रजिस्ट्रेशन करने के लिए बैठे हुए हैं ना पोर्टल पे, एकदम से फुल हो जाती है सीटें। तो आज भी रजिस्ट्रेशन मेरा नहीं हो पाया, तो मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ। मैंने खुद का वैक्सीनेशन करवाना है, फैमिली में मैंने एक एक डोज सबको लगवा दिया है, सेकंड डोज उनका अभी पेंडिंग है। तो फटाफट से जाइए और वैक्सीन लगवाइए। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज एंड व्लॉग्स मैं लेके आता रहता हूँ। सो मेक श्योर जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए RC17 व्लॉग्स को। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।